यस, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। लेट अस नाउ कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑन स्टैटिस्टिक्स। अपन लोग इससे पहले लेक्चर के अंदर थे एग्जांपल नंबर 15.1.21। देखो एग्जांपल 15.1.21 के अंदर आप लोगों को इस तरीके से बताया हुआ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कैसा है मालूम है कि डायरेक्टली क्लास इंटरवल्स दिएगा नहीं है। देखो लेस देन जीरो जो है, सॉरी लेस देन जीरो दिया हुआ है, लेस देन टेन जो है वो है फाइव, मतलब जीरो से टेन के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है फाइव। लेस देन ट्वेंटी है थर्टी। क्या लेस देन ट्वेंटी में लेस देन टेन इंक्लूडेड है क्या? हाउ? तो जब मैं टेन से ट्वेंटी की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30-5=8। क्या लेस देन 30 में लेस देन 20 इंक्लूडेड है क्या? हाँ। 23-13=10। ऊपर वाला माइनस करते चल रहा है। ठीक है, तो ये अपन लोगों के क्लास इंटरवल हो गए और ये हो गए इसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। अब पहली बार सी एफ पांच पांच और आठ तेरह, तेरह और दस तेईस, तेईस और चार सत्ताईस, सत्ताईस और तीन तीस। एन बाय टू इज इक्वल टू फिफ्टीन। फिफ्टीन कहां लाई करेगा? ये वाले क्लास। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। एल है 20 प्लस 15 माइनस 13 अपॉन 10 इंटू 10, 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये अपना समझ में आ रहा है ना? सिर्फ अपन ने इसको कन्वर्ट किया क्लास इंटरवल्स में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मीडियम मिल गया, मीन भी निकाल सकते हैं आप लोग। मीन के लिए आप लोग इसके मिड पॉइंट ले लेंगे और फिर एफ आई एक्स आई सीएफ निकालने का काम नहीं है। आई होप यू गेटिंग द थिंग्स एज रिक्वायर्ड। मीडियम निकालने का सिंपल फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ पॉइंट एफ टू आई। आगे देखते हो प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल नंबर 15.1.7 ये आखिरी एग्जाम्पल है, फिर अपन लोग मोड पे शिफ्ट होते हैं। देखो मैं सॉल्व एग्जांपल भी ले रहा, अनसॉल्व एग्जांपल्स भी ले रहा, जो जो जरूरत है। समझ पा रहा क्या? आपका काम क्या बनता है कि जितने सॉल्व एग्जांपल्स उसको प्रॉपरली रजिस्टर में सॉल्व करके रखो। कुछ नहीं समझा तो प्लीज लेट मी नो। एग्जांपल नंबर 15.1.7 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन दैट द मीडियन इज 23। मीडियन दिया है आप लोगों को 23। क्लास इंटरवल दिए हुए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये दिए हुए क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसीज दिए हुए है आप लोगों को 5, 8 क्वेश्चन मार्क ये पता नहीं है और 6 और 3। मीडियम क्या है? 23। 23 कौन से क्लास में लाया करता है? ये सी एफ 5 और 8 13 13 प्लस इसको बोल दो आप एफ 19 प्लस एफ 13 और 6 टोटल फ्रीक्वेंसी पता है क्या आप लोगों को? नहीं। ठीक है, देखो मीडियन क्योंकि 23 है, 23 कौन से क्लास में लाया करता है? 20 से 30 के बीच में। 23 कौन से क्लास में लाया कर रहा? 20 से 30 के बीच में। मीडियन क्लास 20 से 30 के बीच में, मतलब मीडियन क्लास ये हो गया। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। मीडियन 23, एल है 20, एन बाय टू माइनस सी ऊपर वाले क्लास का सी 13। एफ कितना है? एफ पता नहीं, इंटू 10। अब एन जो है ना अपने पास में देखो वो है 22 प्लस एफ इज इक्वल टू एन। देयरफॉर एन बाय टू इज इक्वल टू 22 प्लस एफ अपॉन 23 माइनस 20 आ गया 3। 22 प्लस एफ अपॉन 2 माइनस 13 अपॉन एफ इंटू 10। 3f is equal to 22 plus f minus 13 to the 26, यहाँ पे 10। ठीक है, ये 13 to the 26 किया डिवाइड बाय 2 किया।
टू वन जा फाइव जा थ्री एफ इज इक्वल टू 22 माइनस 26 मतलब f माइनस 4 इंटू 5 थ्री एफ इज इक्वल टू 5f माइनस 20 20 को भेज दिया इधर देयर फोर 20 इज इक्वल टू 5f माइनस 3f 2f और f आ गया आपके पास में 10 समझ में आ गया कि f आ गया आपके पास में 10 समझे क्या एक ही इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है क्योंकि मीडियन आप लोग के पास में 23 दिएवा है तो ये मीडियन क्लास रहेगा 20 से आगे अब अपन लोग देखते हैं मोड देखो मोड का कैसा रहेगा पहली बात मोड मतलब वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है सीरीज में ठीक है मोड मतलब वो नंबर हैविंग मोड इज दैट नंबर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब जो सबसे ज्यादा बार ऑकर होता है वो नंबर मोड रहता है हाईएस्ट ऑकरिंग नंबर इज नोन एज मोड जब मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करता हूं डिस्क्रीट सीरीज मतलब विदाउट क्लास इंटरवल उसके अंदर मोड क्या रहेगा जैसे यहां पे नंबर दिए हुए 2, 4, 6, 8, 8, 10 इसमें मोड क्या रहेगा 8 क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 2 और बाकी लोगों की फ्रीक्वेंसी है 1 आगे देखते हैं अब देखते हैं अपन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 7 अब यहाँ पे मोड है 7 है 8 समझे ना क्योंकि दोनों दो दो बार ऑफर हो रहे हैं तीसरा देखो 5, 6, 7, 7, 7, 9 इसमें मोड है आप लोगों के पास में 7 समझा गया आप लोगों को इसमें मोड है 8 क्योंकि दो बार ऑफर हो रहा है इसमें मोड 7 और 8 दो है मतलब इसको बोलते बाय मोडल यहाँ पे दो मोड रहते हैं इसको अपन बोलेंगे यूनिमोडल क्योंकि यहाँ पे एक ही मोड है इसको बोलते यूनिमोडल इसको बोलते बाय मोडल इसको बोलते यूनिमोडल एक मोड यूनिमोडल दो मोड बाय मोडल कई कई ऐसा भी हो सकता है जैसे 5, 6, 7, 8 यहाँ पे कोई रिपीटिंग नहीं हो रहा यहाँ पे मोड एकदम सिंपल है जो सबसे ज्यादा बार ऑफर हो रहा वही मोड है समझ में आ रहा क्या जो सबसे ज्यादा बार ऑफर हो रहा वही मोड रहने वाला है तो ये अपना हो गया डिस्क्रीट सीरीज का मोड जो सबसे ज्यादा बार ऑफर हो रहा है ठीक है देखो दो बार ऑफर हो रहा है इसके लिए मोड 8 है 8 और 7 दोनों दो दो बार ऑफर हो रहे हैं तो दोनों मोड है क्या हाँ यहाँ पे 7 तीन बार ऑफर हो रहा है तो 7 मोड है यहाँ पे कुछ भी डबल से ऑफर ही नहीं हो रहा सबकी फ्रीक्वेंसी है कि तो यहाँ पे मोड रहने वाला है 7, 8 कुछ भी नहीं 5 भी नहीं 6 भी नहीं 7 भी नहीं 8 भी नहीं नो मोड कोई भी मोड नहीं है क्वेश्चन में ऐसा हो सकता बोल पाए कि यहाँ पे मोड ही रहेगा नहीं तो ये हो गया अपना डिस्क्रीट का डेटा जो नंबर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा वो भी मोड रहता है देखो इसको मैं फ्रीक्वेंसी डेटा में अरेंज करता एक्साई एफ आई के रूप में तो उसके अंदर क्या है ये है एक्साई और ये है एफ आई नंबर दिए आपके इसमें 10, 20, 30, 40, 50 अब मोड क्या रहेगा इसमें इसमें मोड रहेगा 30 क्यों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है कि आप लोगों को मोड इसके अंदर 30 है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी है समझ में आ रहा क्योंकि देखो 18 है तो मेरा मोड क्या है 30 बच्चे क्या बोलते हैं मोड यहाँ पे 18 है नहीं 18 फ्रीक्वेंसी है मोड यहाँ पे 30 है यहाँ पे मोड कितना हो गया 30 समझ में आ रहा मोड यहाँ पे 30 इसमें से प्रॉब्लम देख लेते हैं अपन लोग इसमें अब कैसा है अपन लोग डिस्क्रीट का तो चलो इन्होंने बहुत एग्जांपल इजी दिया हुआ इन्होंने क्या बोला हुआ जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 5, 3, 8, 9, 5 और 6 यहाँ पे मोड कितना रहेगा एकदम सिंपल है क्योंकि 5 ऊपर हो रहा दो बार ऊपर हो रहा इसके
इसके लिए फाइव मोड। एक एग्जांपल दे, एकदम सिंपल है। अब अपन लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन मोड का फॉर क्लास इंटरवल्स। ठीक है, क्लास इंटरवल का सपोज अपन लोग एक एग्जांपल ले लेंगे बढ़िया सा यहां से। ठीक है, अभी वो अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैच करते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर जो है अपना कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन और डिसकंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन के अंदर मोड। ठीक है।